मौत को बुलावा देता नजर आ रहा गंगा का ये दलदलाता हुआ ब्रिज, जिसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि वो बनाएंगे एक दूसरी सड़क जो 6 लेन होगी और फाफा मऊ से बेली को जाएगी। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज हम आपको दिखाने वाले हैं ये जो सड़क बन रही है, ये कोई आम सड़क नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है कि ये आम सड़क नहीं है। मैं बता दूं आपको कि ये जो सड़क बन रही है, ये फाफा मऊ से होते हुए जो गंगा नदी है उसको क्रॉस करते हुए ये दूसरी सड़क बन रही है, जो कि बेली आके मिलती है। अभी सड़क का काम चल रहा है, तो अभी चलिए हम इसके आगे जो सारी चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा कैसी सड़क बन रही है, कैसी है आपको दिखाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन, ये आम सड़क नहीं है। तो जाहिर सी बात है, लिखा हुआ है तो 100% ये आम सड़क नहीं है, बहुत चौड़ी सड़क बन रही है। और इधर के साइड में ये जो जा रहा है, ये फाफा मऊ शांतिपुरम होते हुए लखनऊ को निकल जाता है रोड, और ये जो इधर के साइड में है ये निकल जाता है सिविल लाइन के साइड में, और ये जो है ये बन रहा है हमारा रोड। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं और रोड का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको दिखाते हैं। ये जेसीबी इस वक्त जहाँ चल रही है वहाँ पे पहले नाला था, जैसा कि आप बगल में देख सकते हैं अभी भी नाला है। और ये लगी हुई है क्रेनें, जो कि उस गटर के नीचे से जहाँ पे पिलर पड़ा हुआ है वहाँ से बालू निकाल करके और साइड में कर रही है। सिक्स लेन रोड बन रही है, जिसकी वजह से इन्होंने अच्छा खासा स्पेस ले रखा है। सड़क बहुत चौड़ी है और इधर भी काम इसका चल रहा है, और जो यहाँ पे पीलर लगाने के लिए जो गड्ढे खोदे गए हैं वो 20 से 25 फीट के हैं, जो कि बहुत गहरे हैं। ऐसे फ़ोन में नहीं आ रहा, बट अगर आप पास से देखेंगे तो आपको समझ में आया कि हाँ, वाकई में बहुत ही गहरे गड्ढे बनाए गए हैं। और ये चीज़ तो मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि ये जो पिलर्स लगे हुए हैं मैंने पास से तो नहीं देखा बनते हुए इसको। दूर से पिलर्स बने हुए सबने देखे होंगे, बट पास से देखने पास चला कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है ये। और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मुझे ये चीज़ लगी, क्योंकि ये जो क्रेन है वो उतनी छोटी चीज़ को इस गटर के अंदर जो पिलर्स बने हुए हैं उस पिलर्स के अंदर डालती है, और उसके अंदर जितने भी गटर हैं या फिर बालू मिट्टी वगैरह हैं उसके अंदर से निकालती है और उन सभी को बाहर फेंकती है, ताकि फ्यूचर में चल के रोड को लेकर के कोई दिक्कत खड़ी ना हो जाए। जब कोई रोड बनती है तो दूर से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, वाओ यार 6 लेन रोड है, बट उसको बनाने में कितना वक्त लगा है, कितना हार्ड वर्किंग है, मतलब ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सबको यही लगता है कि हाँ भाई यार, रोड बहुत ही अच्छी बनी है, बट वाकई में जो रियलिटी है इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप देख सकते हैं एक एक पिलर्स के लिए एक एक क्रेनें लगी हुई हैं, और पता नहीं ये कितने टाइम से इसके अंदर से मिट्टी और बालू निकाल रही हैं, गटर निकाल रही हैं, और कितने टाइम तक निकालेंगी इसके बारे में भी कभी कोई आइडिया नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है ये। आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।